फौज और स्पोर्ट्स का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। हर लीडिंग अकेडमीज में स्पोर्ट्स के लिए सेपरेट क्लब्स बनाए हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी ने यह कल्चर भारत में चालू किया था। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा स्पोर्ट्स इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, कैसे कैसे स्पोर्ट्स होते हैं, क्या महत्व है उन स्पोर्ट्स का। एस्पिरेंट्स, जैसे ही एक कैडेट नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश लेता है उसको 5 बटालियंस में बांट दिया जाता है और हर बटालियन के साथ स्क्वाडन अटैच्ड हैं। टोटल 18 स्क्वाडन्स हैं जो कि 5 बटालियंस में डिवाइडेड हैं। एस्पिरेंट्स, सबसे पहले कैडेट को एक स्क्वाडन से अटैच कर दिया जाता है। आम तौर पे एक स्क्वाडन में 100 से 120 कैडेट्स रहते हैं। जीनियर, सीनियर, जूनियर सारे कैडेट्स को मिला के 100 से 120 कैडेट्स। अब ये जो कैडेट्स होते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से होते हैं और कैडेट्स की प्रेफरेंस उसमें नहीं चलती कि आपको इस स्क्वाडन में जाना है या उस स्क्वाडन में जाना है। ये स्क्वाडन अपने आप, स्क्वाडन का स्क्वाडन मास्टर डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर कैडेट को कौन सा स्क्वाडन देना है। स्क्वाडन देने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे उसकी हाइट क्या है, उसके स्पोर्ट्स में क्या रुचि है, क्या उसने एनसीसी किया हुआ है, क्या किसी प्रकार का लेवल ऑफ स्पोर्ट्स खेला है, पढ़ाई में क्या रुचि है, उस हिसाब से उस कैडेट को एक स्क्वाडन अटैच किया जाता है, एक स्क्वाडन से अटैच किया जाता है। अब जैसे ही उसे एक स्क्वाडन से अटैच कर दिया जाता है उसके ऊपर इंटर स्क्वाडन चैंपियनशिप का भार डाला जाता है ताकि लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस जागे, उसको समझ आए कि स्क्वाडन के लिए उसको मेहनत करनी है, स्क्वाडन के लिए उसको मेडल्स जीतने, स्क्वाडन के लिए उसको ट्रॉफीज जीतने। इसलिए इंटर स्क्वाडन चैंपियनशिप होती है जो स्पोर्ट्स की होती है। इन टोटल नेशनल डिफेंस एकेडमी में 18 स्पोर्ट्स कराए जाते हैं जो स्प्रिंग और ऑटम सीजन के बीच में डिवाइडेड हैं, बट इन टोटल 18 स्पोर्ट्स। ये 18 स्पोर्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं: सॉकर, एथलेटिक्स, जी हाँ एथलेटिक्स भी इसी में, क्रॉस कंट्री, रोइंग, सेलिंग, स्विमिंग, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग। मैं आपको बता दूं हॉर्स राइडिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में कंपलसरी स्पोर्ट्स है, इसलिए जो भी फौज में अफसर नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से फौज में कमीशन अफसर बनाए उसने अपने जीवन काल में हॉर्स राइडिंग जरूर की होगी। फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, वॉलीबॉल, साथ में स्क्वाश, गोल्फ, एथलेटिक्स, आर्चरी, रोइंग, सेलिंग एंड पोलो, वाटर पोलो भी इसमें से एक स्पोर्ट्स है। इन टोटल 18 स्पोर्ट्स हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिखाए जा रहे हैं और सिखाने का उद्देश्य यह है कि हर कैडेट अपने स्क्वाडन के लिए मेडल जीतना चाहता है, वो चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतना चाहता है। एस्पिरेंट्स, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कल्चर से ब्रदरहुडनेस आती है, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कल्चर से टीम स्पिरिट डेवलप होती है, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कल्चर से आप शोल्डर टू शोल्डर काम करना सीखते हो और इसीलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस करती है। साथ ही साथ फिजिकली भी स्टैमिना बिल्डिंग के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। आज नेशनल डिफेंस एकेडमी में अकेडमिक्स के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेंट्स, इस वीडियो के द्वारा आप समझ सकते हैं कि यूजफुलनेस ऑफ स्पोर्ट्स अक्सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज बनाते वक्त कैप्टन एसके सर, मैंने, कर्नल पंकज मल्होत्रा सर ने ये बात की है कि एसएसबी एस्पिरेंट्स जो एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन्हें टीम का स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए, टीम स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। अब आप महत्व समझेंगे एक पर्टिकुलर टीम स्पोर्ट्स से एक पर्टिकुलर नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैडेट में ब्रदरहुडनेस डेवलप होती है। एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने का सोचें। अगर आपका लक्ष्य नेशनल डिफेंस एकेडमी है, आपकी उम्र 16.5 से 19 साल है, तो 15 मई 2024 से 4 जून 2024 के बीच में नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म आ रहा है। याद रखिएगा 10+2 में अगर आप नॉन मैच बैकग्राउंड के हैं तब भी आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भर सकते हैं। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, जल्दी लौटूंगा एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।